हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात करेंगे आज बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में, भारत चरण उत्सर्जन मानक 6 के बारे में, BSES 6 के बारे में। ठीक है, तो आपके मन में जो भी सवाल होंगे इससे संबंधित, सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे इसे सुनने के बाद। जैसा कि आपको पता होगा कि सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए 1 अप्रैल 2020 से भारत मानक BS6 उत्सर्जन मानदंड लागू किए हैं। भारत में पेट्रोलियम डिस्टिलेट के लिए 1991 में और डीजल वाहनों के लिए पहला उत्सर्जन मानक मानदंड शुरू किया गया था। पेट्रोल वाहनों के लिए कैटलिटिक कन्वर्टर को अनिवार्य बनाने और बाजार में अनलेटेड पेट्रोल की शुरुआत से इनका पालन किया गया। 29 अप्रैल 1999 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि भारत में सभी वाहनों को 1 जून 1999 तक यूरो फर्स्ट यानी कि भारत 2000 मानदंडों को पूरा करना है और यूरो सेकंड 1 अप्रैल 2000 तक NCR में अनिवार्य हो जाएगा। कार निर्माता इस परिवर्तन के लिए उद्यत नहीं थे, अतः यूरो सेकंड यानी कि यही भारत जो आपका मानक दंड है, ये भी उत्सर्जन मानक दंड यूरो सेकंड या भारत उत्सर्जन मानक मापदंड या मानदंड सेकंड निर्धारित समय में आरंभ नहीं हो पाया। जो भारत मानक फोर है इसे यूरोप सॉरी भारत मानक सिक्स है ना, इसे यूरो सिक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो दोनों इसी के नाम है, तो कहीं आपको यूरो सिक्स मिल जाता है तो आप हड़बड़ाइए। मतलब सन 2000 में भारत सरकार ने मासिलकर समिति द्वारा विस्तृत रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। समिति ने भारत के लिए यूरो आधारित उत्सर्जन मानदंडों के रोल आउट के लिए एक रोड मैप तैयार किया। इससे भविष्य के मानदंडों को चरणबद्ध रूप से लागू करने की सिफारिश की, जो पहले प्रमुख शहरों में लागू किए गए और कुछ वर्षों के बाद देश के बाकी हिस्सों में लागू किए गए। समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रीय ऑटो ईंधन नीति की घोषणा 2003 में आधिकारिक तौर पर की गई थी। भारत स्टेज मानदंडों को लागू करने का रोडमैप 2010 तक निर्धारित किया गया था। नीति में ऑटो ईंधन के लिए दिशा निर्देश भी बनाए गए थे तथा पुराने वाहनों से प्रदूषण में कमी और ND वायु गुणवत्ता डेटा निर्माण और बेहतर प्रशासन हेतु भी प्रावधान थे। ऑटो ईंधन नीति 2003 के अनुरूप अप्रैल 2005 से BS3 और BS2 ईंधन गुणवत्ता व मानदंड क्रमशः 13 प्रमुख शहरों में और शेष देश के लिए अस्तित्व में आए। बाद में आपका BS4 और BS3 ईंधन गुणवत्ता मानदंड अप्रैल 2010 से 13 प्रमुख शहरों और शेष भारत में क्रमशः लागू किए गए। ऑटो ईंधन नीति में रोडमैप के अनुसार BS5 और BS6 मानदंडों को क्रमशः 1 अप्रैल 2022 और 1 अप्रैल 2024 से लागू किया जाना था, लेकिन नवंबर 2015 में सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक मसौदा अधिसूचना जारी की, जिसमें 1 अप्रैल 2019 को नए 4 पहिया वाहन मॉडल के लिए BSV मानदंडों को लागू करने और मौजूदा BS5 मानदंडों को लागू करने मौजूदा मॉडल के लिए 1 अप्रैल 2020 तक लागू किया जाएगा। BS6 मानदंडों के लिए इसी तारीखों को क्रमशः अप्रैल 2021 और 1 अप्रैल 2022 के लिए आगे लगाया गया था, लेकिन सड़क परिवहन और राजमंत्री ने घोषणा की कि सरकार सर्वसम्मति से BS6 मानदंडों को 1 अप्रैल 2020 से क्रियान्वित करेगी, क्योंकि BS5 चरण को सभी ने एक साथ छोड़ दिया। यह निर्णय पेरिस में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भारत द्वारा किए गए वादों, राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली सहित देश में प्रमुख शहरों में
वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर के खिलाफ व्यापक सार्वजनिक भावना के अनुरूप है। आखिर है क्या BS? भारत सरकार द्वारा भारत चरण उत्सर्जन मानकों को स्थापित किया गया, जो मोटर वाहनों सहित संपीड़न, एग्रीशन इंजन और स्पार्ट इग्रीशन इंजन उपकरण से वायु प्रदूषण के उत्सर्जन को विनियमित करने के लिए बनाए गए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मानक पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत मानकों और कार्यान्वयन की समय सीमा निर्धारित की जाती है। बात करते हैं BS6 के बारे में। BS6 मानक है, ये क्या है? सरकार के अनुसार इस संक्रमण से वायु प्रदूषण में 80 से 90 प्रतिशत की कमी आएगी। मारुति सुजुकी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि BS6 में अनुपालन पेट्रोल वाहनों से नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx या फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड के उत्सर्जन में लगभग 25 प्रतिशत की भारी कमी आएगी। डीजल इंजन के लिए NOx उत्सर्जन में 70% की कमी लाई जाएगी। BS6 ईंधन के सल्फर सामग्री जो BS4 ईंधन की तुलना में 5 गुना कम है, दोनों के बीच प्रमुख अंतरों में से एक है। सभी वाहनों पर OBD ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक्स और RDE रियल ड्राइविंग एमिशन की उपस्थिति भी उत्सर्जन के वास्तविक समय पर नजर रखने में सक्षम होगी। रिपोर्टों के अनुसार BS6 वाहनों के लिए BS6 अनुपालन वाली पेट्रोल कारों को NO यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड की 60 मिलीग्राम प्रति किलोमीटर से अधिक उत्सर्जन की आवश्यकता नहीं है, जबकि इस समय उत्सर्जन हेतु 80 mg प्रति किलोमीटर की सीमा निर्धारित की गई है। एक पार्टिकुलेट मैटर PM की सीमा को पेट्रोल इंजन के लिए 4.5 mg प्रति किलोमीटर पर निर्धारित किया गया, जो प्रत्यक्ष इंजेक्शन का उपयोग करता है। डीजल कारों के लिए NOx उत्सर्जन को 250 mg प्रति किलोमीटर से घटाकर 80 mg प्रति किलोमीटर, SC प्लस NOx के उत्सर्जन को 300 mg प्रति घंटे से 170 mg प्रति किलोमीटर या किलोमीटर सॉरी और PM के उत्सर्जन को 25 mg प्रति किलोमीटर से 4.5 यानी 4.5 प्रति किलोमीटर तक करना होगा। BS6 उत्सर्जन मानदंडों के लिए संक्रमण के बाद पेट्रोल वाहनों की कीमत में 10,000 रुपये से 20,000 रुपये की वृद्धि देखने की उम्मीद है, जबकि डीजल लगभग 1,00,000 तक की वृद्धि होगी। डीजल के वाहनों पर 1,00,000 तक की वृद्धि देखेगी। ऐसा डीजल वाहन को BS6 मानदंडों में अपग्रेड करने की उच्च लागत के कारण है। बात करते हैं चुनौतियां क्या है इसके। सरकार NEDA को लागू करने में दो प्रमुख चुनौतियों का सामना कर सकती है। तेल विपणन कंपनियों की BS3 और BS4 मानकों से BS6 में ईंधन की गुणवत्ता को जल्दी से उत्सर्जन उन्नत करने की क्षमता के बारे में आशंका है, तथा जिनकी लागत 40,000 करोड़ रुपये से ऊपर होने की संभावना है। दूसरा है ऑटोमेकरों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि BS6 में जाने से उन्हें अपने वाहनों में बदलाव के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलेगा। यह देखते हुए कि दो महत्वपूर्ण घटक डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर और चयनात्मक उत्प्रेरक मॉड्यूल को भारत की अजीब और गरीब स्थितियों के अनुकूल बनाना होगा, जहां यूरोप या अमेरिका की तुलना में गति बहुत कम है। बात करते हैं आलोचना क्यों होती है इसकी। वर्तमान प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली की अक्षमता। वर्तमान में सभी वाहनों को ईंधन स्टेशनों और निजी गैरेजों पर आवधिक उत्सर्जन जांच 3 महीने या फिर 6 महीने से गुजरना पड़ता है, जो वाहनों की जांच के लिए अधिकृत है। इसके अतिरिक्त परिवहन वाहनों को उत्सर्जन सुरक्षा और सड़क के योग्यता के लिए RTO द्वारा किए गए एक वार्षिक फिटनेस जांच से गुजरना पड़ता है। वर्तमान प्रणाली द्वारा प्रदूषण को कम करने का उद्देश्य काफी हद तक
प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके कुछ कारण हैं। स्वतंत्र केंद्र अपर्याप्त प्रशिक्षण के कारण कठोर प्रक्रियाओं का पालन नहीं करते हैं। उपकरण स्वतंत्र प्राधिकरण द्वारा आवधिक जांच के अधीन नहीं है। व्यावसायिकता की कमी के कारण कदाचार हुआ है। मानदंडों को पूरा करने में विफल वाहनों की ट्रैकिंग प्रणाली में कमी है। बात करते हैं भारत चरण और यूरो मानदंडों के बीच तुलना। भारत चरण की शर्तों को भारतीय परिस्थितियों की विशिष्ट आवश्यकताओं और मांगों के अनुरूप बनाए गए। अंतर अनिवार्य रूप से पर्यावरण और भौगोलिक जरूरतों में निहित, भले ही उत्सर्जन मानक बिल्कुल समान हो। उदाहरण के लिए यूरो 3 का परीक्षण यूरोपीय देशों में उपशून्य तापमान पर किया जाता है। भारत में जहां औसत वार्षिक तापमान 24 और 28 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, एक अन्य प्रमुख अंतर उस वाहन की अधिकतम गति पर है जिस पर वाहन का परीक्षण किया जाता है। BS3 के लिए 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति निर्धारित की गई, जबकि यूरो 3 के लिए 120 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा दोनों मामलों में उत्सर्जन सीमा एक समान है। सीमा के लिए अलावा परीक्षण प्रक्रिया में कुछ विशिष्ट बिंदु हैं भी हैं। उदाहरण के लिए चेसिस डायनेमोमीटर पर जी प्रति किलोमीटर में किए गए बड़े पैमाने पर उत्सर्जन परीक्षण माप को यूरोप में अनलोड कार वजन के अलावा 100 किलोमीटर वजन की लोडिंग की आवश्यकता होती है। भारत में BS3 मानदंडों को मुख्य रूप से सड़क की स्थिति के कारण वांछित जड़ता वजन प्राप्त करने के लिए 150 किलोग्राम वजन के अतिरिक्त लोडिंग की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं CO2 सीमाओं का गैर अस्तित्व। विभिन्न समूहों और एजेंसियों ने सरकार की आलोचना की है और भारत सरकार से देश में कारों के लिए अनिवार्य ईंधन दक्षता मानकों का मसौदा तैयार करने या कम से कम देश में सभी नई कारों पर CO2 उत्सर्जन लेबलिंग को अनिवार्य बनाना चाहिए। वाहन के CO2 उत्सर्जन के बारे में ऑटो कंपनियों को ग्राहकों को सूचित करना चाहिए। बात करते हैं भारत में उत्सर्जन मानदंडों का अवलोकन। 1991 पेट्रोल वाहनों के लिए आइडल CO की सीमा और डिजिटल वाहनों के लिए मुफ्त एक्सेलरेटर धुआं पेट्रोल वाहनों के लिए बड़े पैमाने पर उत्सर्जन मानदंड। 1992 डीजल वाहनों के लिए बड़े पैमाने पर उत्सर्जन मानदंड। 1996 पेट्रोल और डीजल वाहनों के लिए बड़े पैमाने पर उत्सर्जन मानदंडों का संशोधन। अनलेटेड पेट्रोल पर महानगरों में कारों के लिए उत्प्रेरक कन्वर्टर का अनिवार्य उपयोग। 1998 में कोल्ड स्टार्ट नॉर्म्स शुरू किए गए। सन 2000 में भारत 2000 यूरो 1 के बराबर मानदंड संशोधित IDC भारतीय ड्राइविंग चेक दिल्ली के लिए भारत स्टेज सेकंड मानदंड कार प्रारंभ। 2001 भारत स्टेज सेकंड यूरो 2 के बराबर सभी महानगरों के लिए मानक CNG और LPG वाहनों के लिए उत्सर्जन मानदंड का प्रारंभ। सन 2003 में 13 बड़े प्रमुख शहरों के लिए भारत स्टेज सेकंड यूरो सेकंड के बराबर मानदंड। सन 2005 1 अप्रैल से भारत स्टेज 4 यूरो 4 के बराबर 13 प्रमुख शहरों के लिए मानदंड। 2010 पूरे देश के लिए 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स के लिए भारत स्टेज 4 उत्सर्जन मानदंड, जबकि केवल 4 व्हीलर्स के लिए 13 प्रमुख शहरों के लिए भारत स्टेज 4 यूरो 4 के बराबर। 2017 सभी वाहनों के लिए भारत स्टेज 4 मानदंडों का आरंभ। 2018 भारत स्टेज 4 भारत स्टेज 6 ईंधन के मानदंडों 2020 के बजाय 1 अप्रैल 2018 से दिल्ली में प्रारंभ।
2020 भारत स्टेज सिक्स ईंधन मानदंड 1 अप्रैल 2020 से देश भर में लागू। आगे की राय क्या होगी? तो जैसे ही हमें ज्ञात है कि हमारे देश अभी हाल ही में ऑटोमोबाइल क्षेत्र में संकट से गुजर रहा है, इस आर्थिक संकट के दौर में निश्चित ही यह उत्पादन व अर्थव्यवस्था पर कुप्यारंभ में नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा, परंतु दीर्घकाल में यह सुधार की ओर अग्रसर होगा। इसके साथ ही BS6 पर्यावरणीय हित को प्राथमिकता देते हुए लाया गया है तथा प्रदूषण को कम करने के लिए लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु इसे प्रयोग में लाना आवश्यक है। ठीक है, तो ये था आपका BS6 से संबंधित आपका आर्टिकल। ठीक है।